The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. PET scan, बहुत जरूरी test उसके बारे में पता होना चाहिए. So किसी भी cancer में PET scan का बहुत बड़ा role है. Lung cancer में भी बहुत ज़रा role है. लंग कैंसर में या किसी भी कैंसर में किए जाने वाले पेट स्कैन को बोलते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी. पेट स्कैन इट्स बेसिकली लाइक अ सीटी स्कैन. और इसमें क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक ट्रेसर आपके ब्लड में आपके अंदर डाला जाता है जो कि बीमारी को देखने में मदद करता है. तो जहाँ जहाँ बीमारी होगी, जहाँ जहाँ एक्टिविटी बड़ी होगी बीमारी की, वहाँ वहाँ वो देखने वाली चीज़, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ग्लो करते हुए हमें सीटी स्कैन या पेट स्कैन में दिखेगा, राइट? सो हमें पता चल जाएगा कि कैंसर पूरे शरीर में कहाँ कहाँ है, फैला तो नहीं है अगर लंग कैंसर है या वट एवर इट इज, राइट? सो MRI और सीटी स्कैन अलग है. MRI और सीटी स्कैन जो भी चीज़ हम देखना चाह रहे हैं उसके स्ट्रक्चर को देखता है. जैसे अगर मान लो हम हार्ट देखना चाह रहे हैं, हम बॉडी के ऑर्गन देखना चाह रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है उसको देखने का काम है MRI या सीटी स्कैन का. MRI में सॉफ्ट टिश्यू, सीटी स्कैन में बोनी टिश्यू दिखाई देंगे. लेकिन इस टेस्ट का, पेट स्कैन का जो काम है वो देखता है, वो तो देखता ही है लंग कैसे क्या नहीं है, टिश्यू वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन पेट स्कैन शोज कि हाउ वेल द लंग्स एंड द टिश्यूज आर वर्किंग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कौन से हिस्सों में एक्टिविटी ज़्यादा है, कैंसरस एक्टिविटी है पूरी बॉडी के अंदर, दैट इज सीन. सो टेस्ट कैसे होता है, आपको एक छोटा मात्रा में ट्रेसर दिया जाता है, राइट? एंड दैट ट्रेसर इज गिवन टू यू इन द इंजेक्शन IV, राइट? एल्बो में जहाँ पे देते हैं IV, खचैक इंजेक्शन लगा दिया. और ये क्या होगा, ये जाएगा ब्लड में, आपके ऑर्गन्स में, टिश्यूज में. ये ट्रेसर बीमारी के एरियाज को और ज़्यादा क्लियर करने में मदद करता है. सो इसमें क्या होगा, एक घंटा लगता है ट्रेसर को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाने के लिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में. फिर उसके बाद एक टेबल पे आपको लिटाया जाएगा, एक मशीन टनल के अंदर, एक लार्ज टनल के अंदर डाला जाएगा. ये पेट स्कैनर होता है. इट्स पेट स्कैनर में क्या होता है, ये ट्रेसर के सिग्नल पकड़ता है, कहाँ कहाँ ट्रेसर गया बॉडी के अंदर पकड़ता है, और कंप्यूटर पे इमेज एक 3D पिक्चर बन जाती है जिसमें डिस्प्ले होती है डॉक्टर रीड करने के लिए. और बहुत ज़रूरी है कि इस दौरान आप बिल्कुल सीधे लेटे रहें, बिल्कुल हिले ना, बिल्कुल मस्ती ना करें, राइट? सांस रोकने के लिए भी आपको बोला जा सकता है बीच बीच में. पूरे टेस्ट को लंबा समय लगता है, 90 मिनट्स का समय लग सकता है, याद रखिएगा, राइट? एक घंटा लगेगा आपका दवाई दे के, फिर उसके बाद टेस्ट करने में 90 मिनट. तो पेट स्कैन आपका सीटी स्कैन के साथ किया जाता है, राइट? सीटी स्कैन और पेट स्कैन, क्योंकि जो कंबाइंड इंफॉर्मेशन है वो डॉक्टर को और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग देती है कि भाई हेल्थ प्रॉब्लम क्या है लंग के अंदर, या जहाँ का भी पेट सीटी हो रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम है. कॉम्बिनेशन स्कैन को बोलते हैं पेट सीटी, ऑब्वियसली पेट स्कैन सीटी स्कैन पेट सीटी, ठीक है? सो इसके लिए प्रिपरेशन क्या लगती है, खाली पेट रहना है क्या, कुछ खाना दवाई खा सकते हैं क्या, क्या नहीं क्या नहीं क्या नहीं. पेट स्कैन के लिए आपको सिर्फ 4 से 6 घंटे के लिए फास्टिंग रहनी होती है. और जो अगर आपको बंद जगहों से दिक्कत है, क्लॉस्ट्रोफोबिक हो, तो यू माइट हैव अ प्रॉब्लम कि आपको कुछ दवाई देनी पड़ सकती है रिलैक्स होने के लिए, वरना मशीन में जाके नहीं मुझे डर लग रहा है तो फिर सब खराब हो जाएगा टेस्ट, राइट? सो यू नीड टू बी गिवन सम मेडिसिन टू रिलैक्स. अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपका नहीं हो पाएगा, डॉक्टर को बताना है, सीटी स्कैन नहीं हो सकता प्रेग्नेंट में, वेरी सिंपल, राइट? अगर आपको डाई से किसी चीज़ से एलर्जी है, कॉन्ट्रास्ट से पहले हो चुकी है, तो डॉक्टर को बताना है. फिर अगर आपको डायबिटिक हो, इंसुलिन पे हो, तो भी कभी कभी स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है. तो आपको अपने डॉक्टर को अपनी सारी दवाइयों के बारे में पहले से बताना है, अपने रेडियोलॉजिस्ट को भी बताना. ऑब्वियसली जब टेस्ट करेंगे तो कोई दर्द नहीं होता है इंजेक्शन लगाने के अलावा, टेस्ट में कोई एक्सरे घाट 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 गोलियां नहीं लगती है, आवाज़ ज़रूर आ सकती है आपको थोड़ी सी, और इसमें कोई जब तकलीफ ही नहीं होती है तो कोई रिकवरी टाइम भी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक रहते हो, आपको पता भी नहीं चलता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, राइट? ओके,
सो टेस्ट क्यों किया जाता है, कब कब किस किस में? ऑब्वियसली अगर किसी को लंग कैंसर है तो लंग कैंसर इस इमेजेस में क्लियर पिक्चर में दिख जाएगा, और लंग कैंसर कहाँ कहाँ फैला है ये दिख जाएगा लंग, और डिसाइड करने में मदद करेगा ये टेस्ट कि किस प्रकार का ट्रीटमेंट की ज़रूरत है आपको। अगर लंग कैंसर फैला नहीं है पहले लिम्फ नोड से बाहर, ऑब्वियसली लंग कैंसर लंग्स में होगा, बगल में लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड से बाहर फैल सकता है, लिम्फ नोड में जा सकते हैं, राइट? तो अगर वहाँ से बाहर नहीं फैला है तो ऑपरेशन बेस्ट ऑप्शन होता है, अगर नहीं फैल चुका है तो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी की जाती है। सो प्लस अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो ट्रीटमेंट कैसा काम कर रहा है, कितना अच्छे से, तो पुराने पेट स्कैन को नए पेट स्कैन से कंपेयर करके देखा जा सकता है कि भाई हाँ ट्रीटमेंट इज वर्किंग, लंग कैंसर कम हो गया। नॉर्मल स्कैन मतलब स्कैन में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है लंग में, साइज शेप फंक्शन में किसी प्रॉब्लम में, और एबनॉर्मल टेस्ट में ऑब्वियसली आपको लंग कैंसर या किसी और प्रकार के कैंसर बॉडी के जो लंग में फैल गए हैं वो भी दिखेंगे। सो मेटास्टेटिक कैंसर भी दिखेगा और प्राइमरी लंग कैंसर भी दिखेंगे, इन्फेक्शन भी दिख जाएगा अगर कोई है तो, और लंग के अंदर किसी और कारणवश इन्फ्लामेशन है तो भी दिख जाएगा। याद रखिएगा शुगर लेवल्स आपके टेस्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए शुगर है तो डॉक्टर को पहले बता दें। उसके बाद रिस्क क्या है पेट स्कैन का, पेट स्कैन में सीटी स्कैन के जितना रेडिएशन थोड़ा बहुत होता है सो, लेकिन रेडिएशन बॉडी को अंदर लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम नहीं करता। विमेन जो प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, उनको नहीं कराना चाहिए, छोटे बच्चे या इन्फेंट्स जो बेबीज माँ के पेट में है उनको अफेक्ट कर सकते हैं रेडिएशन, अगर वो स्टिल ग्रोइंग में है तो डॉक्टर से बात करें ऐसे केस में करना है क्या करना है, राइट? और अगर कोई किसी को एलर्जी है तो डाई से, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, ऐसे में जहाँ लगाया वहाँ स्वेलिंग लालपना इंजेक्शन साइट पर आएगा जो भी अपने आप धीरे धीरे चला जाएगा। सो ये हुई बेसिक जानकारी एक चेस्ट पेट स्कैन, जिसे पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पेट सीटी जिसे कहते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट पेट स्कैन, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर लंग कैंसर। रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।